नमस्कार किसान मित्रों, आज आपको नींबू के बगीचे में फल किस तरीके से लगते हैं, कौन सी खाद देनी है, कौन सा उर्वरक देना है, किस तरीके से इसकी सिंचाई करनी है और जल्दी नींबू के फल किस तरीके से लगे बगीचे में, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पूरा नींबू का बगीचा है और आज आपको इसकी अच्छे से विजिट कराता हूं। किसानों की बार बार मेरे पास में क्योरी आ रही थी कि साहब नींबू का झाड़ लगाया है, नींबू का पौधा लगाया है, 4 साल हो गई नींबू नहीं लगता, 5 साल हो गई नींबू नहीं लगता, अभी तक फूल भी नहीं आता है, फल नहीं लगता है, क्या करें क्या नहीं करें। मैं आज आपको बताता हूँ कि नींबू में फल कैसे लगे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आप देख रहे हैं ये नींबू का पेड़ है और नींबू का पेड़ क्या है, ये तो नींबू का पौधा है, अभी 1 साल का पेड़ हुआ है, ये इतना छोटा सा है और आप इस पेड़ के ऊपर देख रहे हैं लगभग 20 नींबू लग रहे हैं और नींबू के साथ में फूल भी लग रहे हैं, मतलब नींबू 12 मासी है, पूरे 12 महीने इस पर नींबू लगेंगे। अब आप देख लो, जब इसका आकार 2 फीट का है, ये नींबू टोटल हाइट इसकी लगभग 2 फीट हाइट है और इस स्थिति में इसके ऊपर 20 नींबू लगे हुए हैं और साथ में फूल आ रहे हैं, तो भविष्य में जब इसका आकार 6 फीट का होगा और इसकी कैनोपी चारों तरफ 5-6 फीट की हो जाएगी, उस टाइम पर इस पर कम से कम 50 किलो नींबू लगेगा। अब इसके लिए हमने क्या किया, देख रहे हैं आप नींबू के नीचे पूरी रेतीली ज़मीन है, इसमें हमने जहाँ तक नींबू की शाखाएं जा रही है वहाँ तक आपको अलग तरीके की मिट्टी दिखाई दे रही है, खाद वाली मिट्टी दिखाई दे रही है, इसमें हमने भरपूर खाद डाल रखा है, जो वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की अच्छी सड़ी गली खाद है, बकरी की मींगनी है, इसके अलावा सिंगल सुपर फास्फेट है, DAP है, जिंक सल्फेट है और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, मिनरल मिक्सचर है, माइकोराइजा है, इसको हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं, इसको रेगुलर हम साल में 3 बार उर्वरक दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं और 1 महीने में इसकी गुड़ाई कर रहे हैं, तो हमारे को इस तरीके से रिजल्ट मिल रहा है। आप देख रहे हैं इतना छोटा पौधा, एक अगर किचन गार्डन में लगाया जाए, अपने घर के आसपास लगाया जाए, तो उसमें अपने घर की आवश्यकता के लिए नींबू मिल सकता है और पूरे वर्ष भर नींबू मिल सकता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर फूल भी आ रहा है और ये फल भी लगे हुए हैं नींबू पर, और नींबू का छोटा पौधा है, तो आपको भी मैं यही सलाह देता हूँ कि अपने घर के आसपास कोई खाली जगह हो तो वहाँ पर आप नींबू के 1-2 पौधे लगाएं, अन्य किसी फलदार अच्छी वैरायटी के पौधे लगाएं, ताकि अपने परिवार के लिए पौष्टिक फल मिल सके और आपका आहार व्यवहार अच्छा हो सके। इसी प्रकार की अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।